तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं। थोड़ा रेस्ट लेके अभी उठा हूँ। अभी मैं निकल रहा हूँ वाइट रन देखने। तो वाइट रन देखने का टाइम यही है, सनसेट का टाइम। या तो सनसेट में आओ या नहीं तो आप सनराइज़ में आओ। ये रही रिसॉर्ट। रात को और भी अच्छा लगेगा, लाइट्स जलेंगी यहाँ पे। चलिए अब चलते हैं वाइट रन की ओर। ये रही टेंट सिटी की गेट। ये गुजरात टूरिज्म वाली टेंट सिटी है। तो इसके अंदर हम लोगों के अलाउ ही नहीं है। जिन लोगों का बुकिंग है सिर्फ वही लोग जाएंगे। तो ये जो टेंट सिटी से पहले राइट वाली जो टर्न है, इस टर्न से अभी हम लोगों को जाना है। यहाँ से वो वहाँ पे चेक पोस्ट है, वहाँ पे वो परमिट दिखाना है, दिखा के फिर अंदर रन है। अच्छा, तो अभी मैं जो BSF वाली चेक पोस्ट है वो चेक पोस्ट क्रॉस करके अब आ गया हूँ। वाइट रन के रास्ते में आ गया हूँ। बीच में आई थी टेंट सिटी जो मैंने आपको दिखाई थी, वो टेंट सिटी के बाद ही वो BSF चेक पोस्ट है। तो आज क्या है, आज फुल मून है, इसलिए आज जो परमिट मुझे मिली है भिरिंडियारा से, ये परमिट रात के 12 बजे तक वैलिड है। और यहाँ पे एक बस स्टैंड भी बन रही है, तो बहुत जल्द यहाँ पे पब्लिक बस चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको वाइट रन दिखाता हूँ। ये जो आप यहाँ पे रेगिस्तान देख रहे हैं ना, यही अब धीरे धीरे ये वाइट होती रहेगी। ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ वाइट रन। वो देखिए वहाँ पे सफ़ेद रेत भी दिख रही है। अच्छा, और एक चीज़ बता दूँ, ये जो टेंट सिटी वाली बस है ना, देखिए वो रही बस, वो बस इस पॉइंट पे आके आपको छोड़ देती है। वो है लास्ट पॉइंट। जगह पे भी वाइट हुआ है, धीरे धीरे वाइट हो रहा है। आगे चलता हूँ देखूँ कैसा बना है वाइट रन। इस साइड भी देखिए तो अभी तक वाइट रन ठीक से सूखी नहीं है। देखिए ये जगह पे, यहाँ पे अभी भी गीला है, लेकिन वो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे लोग गए हैं तो उस जगह पे सूख गई है। और ये वॉच टावर भी अभी बंद है, वॉच टावर में रिपेयरिंग हो रहा है। कुछ दिन पहले गुजरात में भी एक एक्सीडेंट हुआ था, तो उसी के वजह से सारे ब्रिजों को अभी रिपेयर किया जा रहा है। चलिए देखते हैं कहाँ से पहुँचा जा सकता है उस जगह पे। यहाँ से वैसे घूम के फिर उस जगह पे जाना है। एक्स्ट्रा पत्थर डाल के इस जगह को थोड़ा हार्ड किया गया है। तो बाकी अच्छी बात है कि उन उन जगह पे वो मिट्टी पूरी सूख गई है, इसलिए वहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ पे भी उतनी अच्छी मिट्टी सूखी नहीं है, तो इसीलिए ये वाइट रन में आने का जो बेस्ट टाइम होगा वो मेरे हिसाब से दिसंबर के लास्ट वीक से लेके आप जनवरी तक आ पाएँ, वही अच्छा है। पूरी रन सूखी नहीं है, लेकिन फुल मून का इतना एक्साइटमेंट है लोगों में कि सब लोग उतर गए हैं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हार्ड है। हाँ, अभी यहाँ पे थोड़ा हार्ड है इस जगह पे। यहाँ पे उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा, लेकिन उस जगह पे काफ़ी प्रॉब्लम था। आप सिर्फ नज़ारे देखिए, इस साइड हो रहा है सनसेट और बस कुछ ही देर में ये यहाँ पे फुल मून निकलने वाली है। और देखिए नमक, देखिए ये है नमक। और इस साइड अगर आप पैदल चलते रहे तो इस साइड आएगा पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी मुल्क। और तो बहुत बढ़िया है जगह, सनसेट हो रही है।
जी वहाँ पे सनसेट हो रहा है, लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं, मैं अभी तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ, ये है हालत। और एक्चुअली इस बार ऐसा होने के पीछे कारण है, इस बार गुजरात में बाढ़ आई है। एक्चुअली इस साल नहीं, पिछले साल भी गुजरात में बाढ़ आई थी, जिसके वजह से ये रन ठीक से इस बार सूखा नहीं। देखिए सनसेट एक बार देखिए, और वहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रही है। ये वॉच टावर बंद है, वरना वॉच टावर के ऊपर से दिखा था। और इस साइड देखिए आसमान और धरती तो पूरी मिली गई है, और वो रहा वहाँ पे फुल मून, बहुत बढ़िया। अभी तो सूरज ढल गई है, और ठीक मेरे पीछे यहाँ पे है फुल मून, देखिए ये देखिए फुल मून। इसी को देखने के लिए तो लोग फुल मून में आते हैं, लेकिन लोगों का एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा है कि ये रन ठीक से सूखी नहीं है, और बस लोग ऐसे ही चले ही जा रहे हैं। तो वाइट रन अभी सूखने को है, सूख रही है, कुछ कुछ जगह पे पूरी सूख गई है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो आप भी अगर वाइट रन आने का प्लान कर रहे हैं ना, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप दिसंबर लास्ट वीक से लेके जनवरी लास्ट वीक तक आएँ। और दिसंबर लास्ट वीक में थोड़ा रश ज़्यादा रहता है, क्रिसमस की छुट्टी में लोग ज़्यादा आते हैं, तो सबसे अच्छा है कि आप जनवरी में आएँ, वही बेस्ट रहेगा। मैं यहाँ सबसे दूर आ गया हूँ, इस जगह पे पूरा ड्राई है, ये जो जगह है यहाँ पे पूरा ड्राई है। आर्मी चेक पोस्ट पे बोला गया था कि अंधेरा होने से पहले उस वॉच टावर तक एटलीस्ट पहुँच जाना है, क्योंकि अंधेरा होने के बाद आप भटक जाओगे, और वॉच टावर पे अभी लाइट भी नहीं जल रही है, इसलिए लोकेट करना बहुत मुश्किल है। और देखिए वो रही फुल मून। जैसे यहाँ पे गुजरात में ये रही पूरी रन ऑफ कच्छ, ठीक वैसे ही अगर आप इस साइड पैदल चलते रहेंगे तो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आ जाएगा, और पाकिस्तान में भी ये वाइट रन है। वहाँ पे अगर मैं गलत नहीं हूँ, वहाँ पे इसको कहते हैं रन ऑफ सिंध। तो अगर कोई पाकिस्तान से ये वीडियो देख रहा हो तो ज़रा मेरे को करेक्ट करना, रन ऑफ सिंध कहते हैं कि नहीं। और एक चीज़ मैं बता दूं, हमारे इंडिया की जो वेस्टर्न पॉइंट है वो है कोटेश्वर। तो कोटेश्वर है आपका वेस्टर्न पॉइंट, कोटेश्वर यहाँ से बहुत दूर है। ये वाला नज़ारा आप एक बार देखिए, यहाँ पे पूरी ऑरेंज स्काई हुई है, और इस साइड देखिए फुल मून। ये कुछ ऐसा ही है कि आप एकदम सही वक्त पे सही जगह पे आप खड़े होते हो। आ जाइए वाइट रन देखने। ये वीडियो कब आ रही है पता नहीं, लेकिन नेक्स्ट जो फुल मून है वो है जनवरी 7th 2023, और अगले साल दिसंबर वाली जो फुल मून डेट है वो है 19 या 20 तारीख को, शायद 19th और 20th दिसंबर। अगले साल दिसंबर 3rd वीक में फुल मून है, तो जिसके वजह से अगले साल वाइट रन पूरी सूख जाएगी।